नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हारमोनियम का सीखने का एकदम आसान तरीका। 10 दिन के अंदर आप हारमोनियम सीख सकते हो। इसके लिए आपको हारमोनियम की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हारमोनियम को मैं समझा देता हूँ। इसमें 3 सप्तक होते हैं, सा से लेके नी तक एक सप्तक, इसको बोलेंगे मंद्र सप्तक। वापस यहाँ से सा से लेके इस नी तक मध्य सप्तक, वापस सा से लेके इस नी तक तार सप्तक। मंद्र सप्तक मतलब भारी आवाज़ होगी, मध्य सप्तक मतलब मीडियम आवाज़ होगी, और तार सप्तक मतलब तीखी आवाज़ होगी। इसमें सबसे पहले अपने को संगीत की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। संगीत में मोटे तौर पे 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। उसमें वापस सा और प अडिग स्वर होते हैं, एक एक ही होते हैं। रे 2 स्वर होते हैं, एक कोमल एक शुद्ध। ग 2 होते हैं, एक शुद्ध एक कोमल। और म होता है वो तीव्र होता है। वापस प नी प सीम एक ही होता है। और ध वापस कोमल होता है और नी कोमल होता है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपको स्टार्ट करना है यहाँ से। ये मेल सा है, मेल यानी ज़्यादातर जेंट्स यहाँ से गाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ये उंगली सा पे लगानी है, सा दूसरी उंगली रे पे लगानी है। वापस ये ग है, अंगूठा से दबाना है इसको। वापस ये उंगली फर्स्ट उंगली माँ पे लगानी है, सेकंड पा पे, ये तीसरी ध पे, और वापस अंगूठा लगाना नी पे, और वापस फर्स्ट उंगली सा पे। इसी तरह जैसे गए वापस आना है, फर्स्ट उंगली सा पे, नी पे ध, नी पे अंगूठा, ध पे तीसरी उंगली, प पे सेकंड, म पे वापस फर्स्ट, ग पे वापस अंगूठा लगेगा, रे पे सेकंड उंगली, और सा पे फर्स्ट उंगली। इस प्रकार प्रैक्टिस करनी है आराम से, धीरे धीरे। सा रे ग म प ध नी सा, जैसे गए इसको आरोह बोलते हैं, वापस आएंगे इसको अवरोह बोलेंगे। जैसे गए उसी तरह वापस उसी अंतराल में, सा नी ध प म ग रे सा। दोस्तों ये था फर्स्ट लेसन। इसके अंदर आपको यही प्रैक्टिस करनी, सा रे गा मा पा धा नी। उंगली जो जिसके लिए जिस स्वर के लिए उंगली फिक्स है उसी उंगली से दबाना, जिससे आपको भविष्य में परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। धन्यवाद।